आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली हाइपलाइन पिंजर मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब उस्ताद डॉक्टर अजहर क्लब वाले ऑफ लाहौर, उनके शागिर्द दस्तगीर साहब की छत पर। और ये आज मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दस्तगीर साहब से मेरी पहली मुलाकात है। अभी तो हमें सिर्फ इतना ही पता था कि हमें यहाँ पे ये लॉफ्ट जो इन्होंने नई बनाई है ये, तो इसकी कवरेज करनी और ये छत दिखानी है। अजहर भाई का प्रॉपर मुझे रात फ़ोन आया और उन्होंने अच्छी तरह से मुझे गाइड किया था कि जी वो छत बनी है, बड़ी खूबसूरत छत है, आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपने जाना है छत देखना। तो छत वाकई बहुत अच्छी है, लोकेशन बड़ी अच्छी है छत की, और ऊंचाई भी इस एरिया में मेरा ख्याल है कि सबसे ऊंची छत होगी अगर देखा जाए तो। बड़ी खूबसूरती भी इसमें पूरी है, बड़े कुशादा किस्म के इन्होंने जो पिंजरे बनाए हैं नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आज बात क्लियर हुई है वो ये कि जी इन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र भी, तो ये पहली दफ़ा यहाँ पर टूर्नामेंट करवा रहे हैं रुस्तम इस्लामाबाद चैम्पियन ट्रॉफी के नाम से, जो कि 26 मई से जो है 5 रोज़ा नागावार फिरतों पर ये टूर्नामेंट उड़ाया जाएगा। और इसमें अभी तक तो फिलहाल कोई भी कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, कोई भी जो भी प्लेयर हिस्सा लेना चाहता हो वो हिस्सा ले सकता है, किसी को भी इस पर जो है पाबंदी नहीं है, किसी भी पार्टी से किसी भी दफ से हो। और इनका मकसद शौक को प्रमोट करना है, और शौक को प्रमोट करने के लिए मेरा ख्याल है कि अगर किसी भी शहर में कोई भी अगर प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का हल अगर निकालना हो कबूतर परवरी में, तो मेरा ख्याल है कि उनको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके ही निकाला जा सकता है। तो ये एक ऐसा जरिया है जहाँ पर दोबारा से लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे बैठ भी जाते हैं, जब इनके इकट्ठ वगैरह या तकरीब तकसीम इनामत वगैरह आती है तो उस पर इकट्ठे भी होते हैं। और वहाँ पर फिर सारे कई दफ़ा हमने देखा कि इसी तरह से आमना सामना होता है और गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा इनका इनिशिएटिव है। इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में पहले भी बहुत से टूर्नामेंट उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन ये आइडिया इनको क्यों आया, क्यों इन्होंने सोचा कि मैं भी ये टूर्नामेंट करवाऊं, तो इनसे इसके बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उस्ताद वकार मुगल साहब और वकार खान साहब। वकार मुगल साहब मौजूद हैं सफदर बाजवा पार्टी से। जी जी। तो उस्ताद सफदर बाजवा पार्टी के रिंग लीडर है ना आप? जी जी, रावलपिंडी से। जी जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद के रिंग लीडर भी हैं वकार मुगल साहब, तो इनसे भी हम बात करते हैं। तो पहले हम चलते हैं दस्तगीर भाई की तरफ, उनसे हम पूछते हैं कि क्या वजह है, क्यों आपने ये टूर्नामेंट जो है ये ऑर्गेनाइज करवाया, और क्यों यहाँ पर आपको किस चीज़ की कोई कमी महसूस हुई यहाँ पे क्यों टूर्नामेंट्स में, या वैसे ही एक पैशन था कि कबूतर पर हजार जो यहाँ पर हैं उनकी मैं भी किसी ना किसी तरीके से खिदमत करूँ, इनसे पूछेंगे। और उसके बाद वकार मुगल साहब से इनकी पार्टी के बारे में बात करेंगे। इस वक्त इनकी पार्टी पूरे पंजाब में बड़ी जो है बेहतरीन काविशें कर रही है और ज़बरदस्त जो है तैयारी चल रही है इनकी, स्पेशली अकमल साहब की छत जो टोबा टेक सिंह से है वहाँ पर पंजाब में, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है वो भी इनसे पूछेंगे, और ये इस टूर्नामेंट के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं वो भी इनसे बात करेंगे। पहले चलते हैं जी दस्तगीर जाट साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक है सर। ये रुस्तम इस्लामाबाद चैंपियन ट्रॉफी नाम तो आपने बहुत बारोब और बड़ा ज़बरदस्त रखा है, तो क्या आपने सोचा, क्या वजह आपको कि आपने ये टूर्नामेंट रखा, कोई यहाँ पे आपको किसी चीज की कमी है यहाँ के टूर्नामेंट्स में महसूस हुई, या वैसे ही एक पैशन था कि मैं भी एक टूर्नामेंट करूँ? एक मेरा जेन था, एक पैशन कह सकते हैं आप, कि हम जो भी टूर्नामेंट बड़ा होता है पिंडी इस्लामाबाद का होता है, तो मैंने टीम में सलाह की, कोशिश की कि हम इस्लामाबाद का सिर्फ एक इस्लामाबाद का टूर्नामेंट रखें। अच्छा, इसमें रावलपिंडी नहीं? रावलपिंडी नहीं है, ये सिर्फ इस्लामाबाद का टूर्नामेंट है, और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि छोटे जो शौकीन हज़रात हैं हम उनको मौका दे रहे हैं कि वो आए आगे आके उनके लिए जो शौक है प्रमोट करें। बिल्कुल, तो बाकी सब उस्ताज़ा इकराम का शुक्रिया, जो इस्लामाबाद के जितने भी उस्ताज़ा इकराम हैं उन्होंने बहुत तावन किया और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये कि आपने एंट्री फ़ीस बहुत ही मुनासिब और बहुत ही कम रखी हुई,
तो इसमें बहुत से छोटे शायकीन जो मिस कर जाते हैं किसी वजह से, तो शायद इस दफ़ा उनका भी शौक बड़ा अच्छा पूरा होगा, खसूसी तौर पे इस्लामाबाद के नवाही इलाकों से। तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि सिर्फ इस्लामाबाद ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब भी टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं उसमें रावलपिंडी का नाम लाजमी लिया जाता है, रावलपिंडी इस्लामाबाद का रखा जाता है, तो क्या आपने महसूस किया कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की अपनी एक चूँकि शनाख्त है, तो इस्लामाबाद के नाम से अकेले इस्लामाबाद के नाम से टूर्नामेंट नहीं है क्या, इसलिए आपने सिर्फ इस्लामाबाद को ही जो है रखा जी शामिल? बिल्कुल, ये भी वजह है, एक ये भी वजह है। दूसरा ये है कि पिंडी एक तो फर्स्ट टाइम था, इतना बड़ा एरिया कवर नहीं कर सकता था, तो लिहाजा मेरी टीम ने सारे ने मशवरा किया कि हम स्टार्ट है तो इस्लामाबाद से लेते हैं, और इस्लामाबाद से माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो सब फिर से मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन प्लेयर्स का जिन्होंने इसमें शिरकत की और इस शौक को बेहतर किया। तो कौन कौन दोस्त अहबाब हैं जो मेन टीम में आपकी ऑर्गेनाइजिंग टीम में जो है मौजूद हैं या आपका साथ दे रहे हैं जो लोग? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं नाम लूँगा चौधरी अजीम ऑफ बंगाल का, जो उस्ताद ताज साहब के शागिर्द हैं। उसके बाद मलक शुएब साहब है कुराल से, जो मलक जायद साहब के शागिर्द हैं। बाकी उस्ताद बुकार खान मुगल साहब हैं। उसके बाद उस्ताद जुल्फ़ार साहब हैं, तो इनका भी बहुत शुक्रिया, ये भी बहुत ज़्यादा साथ, बल्कि काफ़ी दोस्त हैं जो इस टूर्नामेंट को बेहतर करने के लिए मेरे साथ। बिल्कुल सही है। तो आपको हर जगह से रिस्पॉन्स पॉजिटिव है? अल्हम्दुलिल्लाह, हर बंदा आपके साथ तआवुन कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे मसे के कबूतर परवर हैं, सब खुश हैं। अच्छा, तो छतें तकरीबन अभी तक आपके पास कोई आई हैं, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया? तकरीबन मेरे पास 135 छतें आ चुकी हैं। नाम लिखे गए? जी, नाम लिखे गए, जिसमें 70 की एंट्री भी जमा हो गई है। 70 छतों की अभी एंट्री जमा हो गई है। अच्छा, तो शुक्र है, अच्छा रिस्पॉन्स। तो छतें पॉइंट आउट हो चुकी हैं, कहाँ कहाँ हैं? जी बिल्कुल, इतनी छत 135 छत आपके पास आ गई, और अभी भी काफी छतें ऐसी हैं जो मैंने सुना कि अभी उन्होंने, मेरा ख्याल है कि मेरे देनी है या एंटर होना है। बिल्कुल, मेरे जो जेन है सिर्फ इस्लामाबाद की 230 छत जेन में है। अच्छा, जो मेरे पास जिनका रिकॉर्ड आया है। अच्छा, 230 छत, बहुत तेजी से इस्लामाबाद में शौक प्रमोट हो रहा है। जी, बहुत तेजी से। बिल्कुल, ये मेरे लिए भी शॉकिंग बात है। 135 इस्लामाबाद की तारीफ, इस्लामाबाद भी तो कितना बड़ा हो गया। हाँ, ये भी इस्लामाबाद का एरिया भी बढ़ गया, और इंशाल्लाह शो भी बड़ा प्रमोट हो गया। तो वो उसमें इस्लामाबाद के एरिया कहाँ से कहाँ तक का इसमें काउंट होगा? इसमें हमने रखा है कुराल से लेके गोल्डा से बरी मॉल, बस साइड एरिया नहीं लिया हमने। साइड, अच्छा, साइड एरिया भी नहीं है? नहीं लिए, मैंने अंदरून सिटी लिया है सिर्फ, उसमें 135 हो गई है। अच्छा, माशाल्लाह, जाल मुझे इतने नजर नहीं आते, दरख्त ज्यादा नजर आते हैं इस्लामाबाद। लोगों ने अपने घरों में कबूतर रखे हुए हैं। अच्छा, नीचे कमरों में मैं देख के हका हो गया हूँ कि ये लोग किस तरह शौक कर रहे हैं। अच्छा, इस्लामाबाद के अंदर यकीन माने कि लोगों ने अपने बेसमेंट में, उसके अलावा सीढ़ियों के नीचे जो जगह है ना, वहाँ से कबूतर, वो वहाँ से कबूतर शौक कर रहे हैं। अच्छा, उड़ा रहे हैं। बड़ी बात है। तो ये तो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है दुनिया का, और आपके साथ लोग मिल रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि आपकी पहले ही ये जीत है कि 135 छतें अभी तक हो गई है माशाल्लाह। तो आगे अल्लाह करे कि ये और छतें भी आपके पास आएंगी, और तो इंशाल्लाह कि ये कामयाब तरीन टूर्नामेंट होगा इस्लामाबाद की हिस्ट्री का। तो वकार साहब, उस्ताद जी, आप ये बताएं कि ये जो टूर्नामेंट में एक इन्होंने ये रखा है इस्लामाबाद का, तो इस टूर्नामेंट में 135 छतें जो ये बता रहे हैं, तो क्या ये 135 छतें जो ये बता रहे हैं कि आया कि ये पहले कभी आपने सुना होगा कि इतनी छतें यहाँ पे, या वन टू वन मुकाबलों में नाम तो आते ही होंगे ना लोगों के? जी, तो कभी काउंटिंग इतनी सुनी थी कि इस्लामाबाद में इतनी छत है रावलपिंडी निकाल के? जी, रावलपिंडी को निकाल रहे हैं तो इस्लामाबाद में इतनी छतें कम ही सुनने में, कम ही काउंटिंग, जिसकी वजह से बड़ी अच्छी मतलब कि इनकी प्रोग्रेस चल रही है। 135 छतें जो मेंशन हो चुके हैं, नए लोग इंट्रोड्यूस होंगे जी, नहीं तो। और सबसे बड़ी बात है कि गुलाम दस्तगीर भाई ने फर्स्ट ये स्टेप लिया है, फर्स्ट टाइम ये इनका ये ऑर्गेनाइज हो रहा है कप, तो ये बड़ी जीत है इनके लिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, यहाँ इस्लामाबाद में जो अभी एक प्रॉब्लम चल रहा है,
तो मतलब दो तारीखें हैं उड़ाने की जी जी 24 और 26। तो फिर वो उनको उनमें से भी अभी तो प्लेयर आपके पास नहीं होंगे ना, फिर जो 24 उड़ा रहे हैं वो तो नहीं होंगे आपके पास। नहीं, इसमें है, इसमें दोनों दोनों ग्रुप्स के, दोनों ग्रुप्स के हैं, 26 वाले भी हैं 24 वाले भी हैं, वो दोनों उसमें किस तरह से उड़ेंगे। 26 वाले भी हैं और 24 वाले भी दोनों, लेकिन 26 जो 24 वाले हैं वो 26 से ही हमारे टूर्नामेंट को काउंट करेंगे। 24 उनकी दूसरी फिर जो होगी उनकी वो पहली फिर तक काउंट होगी, वो तो मैं समझ गया। लेकिन उनको आप किस तरह से कैटेगराइज करेंगे कि यार ये वो वाले लोग हैं, और उनके कबूतरों को किस तरह से करेंगे? उनको इस तरह करेंगे, उनमें तो है भी ओपन कबूतरों का ना, और बंद का रोल है यहाँ पे ना, तो उनके साथ हमारी कमिटमेंट हो चुकी है, उनके साथ सारी बात हमने खुल के की है कि एक तो मुनसिबा हमारी जो इंतजामिया है उसका मुनसिब होगा, और दूसरा उसकी वो जो रंग होगा वो हमारा अपना होगा, ठीक है। तो वो बेहतरीन करके हमने उनको साथ जो डील हुई है, अच्छी डील हुई है उनके साथ। रंग अपने से क्या मुराद? रंग जो कबूतर अगर उनका कुछ ज़ाया होता है ना, जो उनका कबूतर ज़ाया होता है वो इसमें कौन नहीं होगा। पंजाब में वो शौक जो हो रहा है ओपन कबूतर का, वो उसके साथ भी कुछ छतें कर रही है ना, तो इस वजह से ये जो हमने रंग की बात की है ना, वो इसलिए कि जो ज़ाया होता है उसको बारह मुनसब रंग लगाएगा कि वो क्लियर हो जाए कि ये कबूतर ओपन है, ये फिक्स जो नया कबूतर पड़ेगा उसको रंग लगेगा। बिल्कुल उसको रंग लगेगा, उसको रंग लगेगा। और पहले दिन मतलब उनकी दूसरी फिरत होगी, दूसरी फिरत में हमारे पास प्रॉपर हमारी टीम का जो मुनसब होगा, हमारी तरफ से क्या होगा, प्रॉपर वीडियो और तस्वीर उन 11 पमंग कबूतरों की हमें देगा, प्लस वो खुद उनको रंग भी लगाएगा। 24 को कबूतर उड़े, ठीक है, 11 मेरे 3 कबूतर शॉर्ट हो गए, ठीक है, मैं 26 को उड़ाऊंगा 3 नए डाल के, ठीक है। आपके लिए उस दिन पहली फिरत है, तो वो 11 जो है उस दिन के आपके पाबंद कबूतर हमारे पास, वो जो उस दिन 11 उड़े, आपके 3 शॉट हुए, नेक्स्ट तो आपकी ओपन बाजियां पंजाब में लगी थी, आपने 3 डालने पूरे करने, हमारे लिए वो 11 पाबंद है, ठीक है। उनको हम वाजा रंग लगाएंगे, पोटे पे लगाए जहाँ पे भी, प्लस उनकी वीडियो और तस्वीर हमारे पास होंगी, वो दस्तगीर भाई की टीम है मीडिया की जो उनको देखेगी, ठीक है, उनके पास रहेंगी, तो फिर उन 11 में से अगर कोई शॉट होगा तो वो हमारे लिए शॉट है, तो वो ओपन के लिए वो बेशक डालते रहे, उसकी जगह कबूतर डाल सकते हैं, लेकिन वो उस टूर्नामेंट का वो उसमें आपको कोई, लेकिन जो आपके हैं वो वही रहेंगे। हाँ जी, हमारे वो 11 पाबंद वही रंग वाले, उनमें से कोई शॉट होगा तो वो शॉट हम ऐड नहीं करवाएंगे। आप ऐड नहीं, बिल्कुल सही हो गया। और वो उन कबूतरों की जो निशानी वही है कि नए कबूतर आते जाएंगे रंग लगता जाएगा। हमने 11 को अपना रंग लगा दिया, ठीक है, वो अलग रहेगा, वो मतलब हमने नीला लगा दिया, हमने नीला लगा, अब जो नए डलेंगे उनको सबज लग रहा है, उनको तो पहले से जो भी इस छत का रंग है वो लगा हुआ है ना, हमने तो नहीं लगाना, हमारे 11 पाबंद हमारे 11 पाबंद हमने लगा दिया, उसमें से शॉर्ट होता गया, घर नहीं आया या मारा गया, वो शॉर्ट है हमारे, मतलब पहले दिन जिस तरह 3 रहे। मैं ये कह रहा हूँ आपने सुरख कलर लगाया ना, वो जो कहना चाह रहे हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं कि 11 कबूतर उड़ गए सबज रंग के साथ, ठीक है, मिसाल 4 शॉट हो गए पहले दिन, ठीक है, नए जो डल गए वो भी सबज लग रंग के आगे, कैसे पता चलेगा कि कबूतर ये 7 आपके हैं 4 दूसरे ओपन में से हैं? मैं यही कह रहा हूँ, रंग की बात पूछ रहे हैं। मैं अपने कबूतरों को पर्पल कलर लगाता हूँ, ठीक है, मैं पंजाब लेवल पे शौक भी कर रहा हूँ, ठीक है, अब यही ओपन और पाबंद वाला मसला भी है, तो मेरी छत पे जब टीम से मुनसिफ आएगा वो पर्पल नहीं लगाएगा, वो उसका सिलेक्टिव कलर होगा, ठीक है, वो मेरे पास होगा। लेट अस सपोज मैंने दोबारा कहीं नहीं मिलेगा कलर सर, वो वीडियो तस्वीर भी तो होगी हमारे पास, एक जैसे कई कबूतर वो उस बारे में भी तेरे आपको पता है मुंह से निकलती है बात, आप कई कबूतर खरीदने जाते हैं अक्सर औकात की कुछ लोग कर देते हैं, आपको दिखाया आपने पसंद कर लिया अंदर छोड़ दिया, बाद में जो दिया वैसे ही दे दिया कॉपी टू कॉपी। इसमें आपका ये चले बात है आगे की, वो भी हो गया कलर, कलर में ऐसे ऐसे टैलेंटेड बंदे हैं ना कि पहले दिन कलर लगाएंगे आपको ऐसा लगेगा 4 दिन से उड़ रहा कबूतर। सर बिल्कुल ये बात है कि इतराज आपने लेट अस सपोज उठाया, तो ये हमारे लिए भी एक पॉइंट आ गया कि यार ऐसे मसला भी हो सकता है, तो फिर हम इसके लिए को हल निकालेंगे। मैं बताता हूँ, कितनी परवाजें? 5 परवाजें आपकी बनेंगी, 5 डिफरेंट मोरे, डिफरेंट डिजाइन की, हर प्रवास पे अलग डिजाइन के मोर लगे ताकि अगली दफा कॉपी होके मोर ना बनी हुई, सही।
और वो मोरे आपके पास ही होगा। नाले वो कमेटी की तरफ जो जो बंदा आपका बंदा जाएगा कमेटी का, वो मोर उन कबूतरों को जो लगाएगा अगले दिन उन कबूतरों को वो मोर तो नहीं लगेगी, मोर नहीं लगेगी। और शाम को आपने हाँ हर रोज की आपकी डिफरेंट मोर होगी, ये एक थोड़ा सा ये भी बेहतर है, बेहतर हो ये ज्यादा बेहतर, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कलर से नहीं आप कुछ कर सकते, इंतजामिया की तरफ से मुनसिफ वगैरह जो भी अरेंजमेंट करेंगे, जो 24 वाली छत है उसमें सारे मुनसिफ दस्तगीर भाई की तरफ से सारे उसकी तरफ से ही है, वो भी बहुत मुश्किल काम है, ये भी एक बहुत मुश्किल। देखें 135 छत है जी, और अगर आप कुछ छतों को मुनसिफ देंगे तो दूसरी छतों वाले जो हैं वो छतें भी एतराज कर सकते हैं या वो भी कर सकते हैं, या तो आप सब पे मुनसिफ अपने लगाएं और इतना मुनसिफ आप नहीं लेके आ सकते। वो बाजियां कई बंदों की बाजियां डूब डूब बाजियां डूब डूब बाजियां, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उस पे तो मुनसिफ भेजने की नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे वो नया डालने वाले हुए फिर क्या करेंगे। नहीं ये जो 26 वाले हमारे जो भाई हमारे साथ 24 वाले शुरू वाले हैं वो बहुत कम है हमारे पास, वो कम है सपोज 20-15, लेकिन एहतियात आपको यही रखनी होगी कि इनके मुनसिफ आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। ये कमान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये मैं इसको टाइप करता हूँ बात की कि जो छत उड़े वो मुनसिफ लाजमी दे। हाँ नहीं नहीं मुनसिफ तो वो देगी हमें, हाँ। लेकिन जो हमारा मुनसिफ होगा वो दूसरे, आप 135 मुनसिफ नहीं रहा 135 नहीं, वो मुनसिफ हमें देंगी छत, वो मुनसिफ दूसरी जगह जाएगा। मैं समझ गया आप कह रहे हैं छत आप खोलेंगे, आप कब का मुनसिफ, सिर्फ दो तीन छतों पे आप दो मुनसिफ होंगे, बाकी छतों पे एक एक होगा, एक होगा जी, जिनकी छत पे दो होंगे वो नहीं कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती है, हमारे दो बिठाए हैं बाकी के एक बिठाए हैं। सोई से इसका हल, इसका हल निकल जाएगा, इसका हल निकाल लेंगे इंशाल्लाह, हमारी गुलामी थोड़ी देर तक तो फ्री हो जाए सबके खाना, मैं कॉल कर रहा था। ये दो तीन चीजें जो आप मैं कॉल करना है बीच में आएंगी, इसको बेहतर करेंगे इंशाल्लाह, इस पे काम करेंगे। बाकी ये है कि ये आपकी बड़ी अच्छी काविश है कि आपने दोनों तारीखों के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की। बिल्कुल इस्लामाबाद एक सिटी है और एक सिटी का एक ही तारीख का शौक होना चाहिए, और मैं आपकी इस बात को भी अप्रिशिएट करता हूँ, और जितने भी दोस्त अब आप हैं उनसे गुजारिश भी है कि ये रुस्तम इस्लामाबाद चैंपियन ट्रॉफी इस वक्त एक बहुत मेगा इवेंट के तौर पर सामने आ रहा है, जिसमें 135 छतों की एंट्री अभी तक हो चुकी है और अभी मजीद पता नहीं कितनी छतें आएंगी। तो पहलवान कौन बनेगा, जो रुस्तम वही बनेगा जो पहलवान बनेगा इस शहर का, जो इतनी छतों को जीतेगा। तो 10-12 छतों को तो कोई भी जीत सकता है, ये कि 100-150-200 छत को जीतना ही असल आज जो है टाइटल है रुस्तम का। तो उम्मीद है कि आप लोग ये दस्तगीर भाई के और ये वकार भाई के, ये जितने भी दोस्त अहबाब इनकी टीम बैठी, इनके इस टूर्नामेंट को पूरी तरह से सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज इस कप में करवाएं, ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट एक चलता आ रहा है वो इसी के ज़रिए ही ख़त्म हो जाए, और ये दोस्ती का प्यार का शौक है तो इसको जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उसको उतना ही बढ़ाएं। क्योंकि इस्लामाबाद रावलपिंडी से मेरा बड़ा अच्छा बड़ी अच्छी यादें, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहली दफ़ा जब आया था तो सबसे पहले मैं लाहौर से बाहर अगर किसी शहर में आया था तो मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद ही आया था। तो ये मैं भी यही चाहूँगा कि अल्लाह करे कि यहाँ के शौक अच्छा हो, आपका स्पेशली आपकी ये काविश जो अच्छी हो। तो कबूतरों के बारे में क्या कहेंगे वकार भाई, आजकल क्या चल रहा है, लोगों के 6-6, 7-7 नहीं आ रहे, कोई फोन कर रहा है यार हमारे 15 नहीं बैठे, कोई कह रहा है हमारे 11 नहीं बैठे, ये मौसम को हुआ क्या। पहले तो जी मैं जो गुलाम दस्तगीर भाई उनकी जो काविश है इनको अप्रिशिएट करता हूँ, इनकी बड़ी अच्छी एक स्टेप लिया, और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है सबको, सब जितने भी उस्ताद हैं हमारे सीनियर्स हैं, कि भाई ये एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, और उस तरीके से अगर शौक होगा एक प्लेटफॉर्म पे तो बड़ा मज़ा आएगा सबको और वो बेहतर होगा। ये एक मेरी रिक्वेस्ट है सबके लिए, बिल्कुल सही आपके प्रोसेस में ये मीडिया पे कह रहा हूँ कि ये पिंडी इस्लामाबाद के लिए, बिल्कुल वो 2400-2600 कोई। सेकेंडली मौसम कुछ ऐसा है, कुछ लाहौर की मैंने देखी है जहाँ पे आजकल यहाँ पर पिंडी इस्लामाबाद तो स्टार्ट नहीं हुआ सीज़न, अभी एक वनडे हो रहा था बच्चों कप का, तो बाकी ये कि मौसम गैर ऐसी है जिसमें गायब हो रहा, तो क्या वजह है कि क्या किस चीज़ की गैर, कोई इस पर बातचीत कुछ नहीं, नहीं। क्योंकि उस दिन लाहौर का तो था ना, तो उस दिन जो लाहौर से बाहर मतलब गुजरात साइड से, गुजरात और लाहौर का काफी फासला है, तो गुजरात के भी अंदर कड़ियाँ वाला और इधर उधर से कॉलें आई हैं, उन लोगों के बड़े कबूतर मिस हुए। असल में काफी टाइम से यहाँ पे बारिश नहीं हुई, तो बारिश अभी परसों हुई रात को यहाँ पे, अच्छा तभी माहौल अच्छा है यहाँ, ठीक
परसों, उससे पहले जो है ना एकदम गर्मी स्टार्ट होगी। दूसरे ये कि काफ़ी टाइम से बारिश नहीं, जिसकी वजह से ऊपर गर्द उबाल बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्द उबाल भी वैसे भी। जैसे वो उस्ताद जी की छत पे जो बैठे थे आप इंटरव्यू ले रहे थे, कबूतर आया था, कैसे बैठा था? हाँ जी, डॉक्टर अजहर क्लब काला कबूतर जो बैठा, काला कबूतर कैसा किसी का आगे बैठा था, बिल्कुल ये सस्ता है। तो अच्छा, आपकी पार्टी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जबरदस्त जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी। छत बड़ी अच्छी दस्तगीर भाई ने बनाई है, तो इसके रिजल्ट किस तरह का होगा? ये मुझे तो ये लोकेशन बहुत आइडियल है। कुमार में भी हमारे हर कप में आखिरी कप बैठे हैं। अच्छा, आखिरी कबूतरों के नाम सारे कपों में जितने भी फिनी इस्लामाबाद के हुए, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सब आखिरी कबूतरों के नाम हमारे थे। तो ये कबूतर भी घर के हैं सारे आपके? ये सब उस्ताद जी के हैं, उस्ताद जी के दिए हुए। अच्छा, ये बड़ा, ये जो कबूतर आप देख रहे हैं ये हमने उड़ाया है यहाँ पे। अच्छा, इसका बड़ा क्या है, ये कौन सा कबूतर? ये इसको हम जीरा कहते हैं, लाल जीरा कबूतर है, लाल जीरा। जी जी, तो ये कबूतर यहाँ पे 6:30 बजे तक यहाँ पे उड़ा हुआ है। अच्छा, 6:30 बजे तक उड़ा हुआ है। जी जी, ये कबूतर जो है। नहीं जी, दस्तगीर भाई का, इनके उस्ताद डॉक्टर अजहर क्लब वाले जो कबूतर है उनमें से ये लाल जीरा इसको कहते हैं। ये कबूतर है बहुत ही कमाल। ये देखिए पर, देखिए कैसा परेल कबूतर, माशाल्लाह पर भी बड़े अच्छे। वकार भी आप उड़ा रहे हैं कि नहीं उड़ा रहे आजकल? तो तैयारी कैसी चल रही है? ठीक है, ठीक है। लास्ट ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी इस्लामाबाद में सेकंड पोजीशन। जी जी, बिल्कुल ऐसी। तो इस दफा है तैयारी? इस दफा के लिए पूछो, है तो चल रही है? 5-6 छते उड़ी अल्लाह पाक खैर, इंशाल्लाह। चलो, 5-6 छते मतलब आपकी अपनी पार्टी? पार्टी की, बिल्कुल सही। बहुत आला है कबूतर, बड़ा है कबूतर, एक नामवर कबूतर है जी हमारा। और ये पट्टा आपका? ये पट्टा मेरा है। कितने पर का हो गया ये कबूतर है जी? मेरा पट्टा 6 पर का हुआ, मैंने 6 साल का हुआ। समझ गए, ये इस इलाके का नामवर कबूतर है जी। अच्छा, माशाल्लाह। ये कबूतर कह सकते हैं कि जो सबसे जून में भी 7 बजे की परवाजें थी और अक्टूबर में रात 8 बजे 9 बजे की परवाजें रहेंगी। क्या बात है, ये भी उस्ताद जी वाला? उस्ताद जी का कबूतर है जी, उस्ताद जी के घर का कबूतर है ये। उस्ताद डॉक्टर अजहर क्लब वाले के घर का कबूतर, क्या बात है, शानदार कबूतर है जी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इतना शानदार कबूतर, जो परवाज भी बड़ी अच्छी रही है इनकी। ये 2 कबूतर है, 2-3 कबूतर है उस्ताद जी के जो। उस्ताद जी माशाल्लाह आपके बहुत एक्सपीरियंस है, लाहौर का तो एक बहुत बड़ा नाम है जी उस्ताद डॉक्टर अजहर क्लब वाले, बड़ा अच्छा शौक करते हैं, जहाँ जिनके साथ करते हैं बड़ा बेहतरीन शौक उनका चलता है हमेशा। 1-to-1 मुकाबले बड़े अच्छे उनके रहते हैं हर सीजन। कितने अरसे से आप शागिर्द हैं? सर तकरीबन 1 साल हुआ है। अच्छा, अभी साल भी 1 साल हुआ है। तो वैसे अल्लाह को उनका एक ये मादी जो चैंपियन मादी है हमारी, ये कबूतर ऐसे है कि कोई देखता है तो थका बका रह जाता है, ये कबूतर है। और पिछले 2 साल से ये जब मगरब की अजान होती है तो सर ये ऊपर से आती है, जून हो अक्टूबर हो। क्या बात, तो इनके कोई खास नाम भी है ब्रीड्स के, या बस वैसे ही उन्होंने गिफ्ट किया तो बस? उन्होंने भेजे थे कुछ कबूतर, उनमें ये कबूतर बनाया मैंने। सही, तो मतलब वैसे ये तबर्रुक वाले इनका नाम है और कोई? लेकिन बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 1.5 साल के अंदर अंदर हर, तो ये इस दफा भी मुझे लग रहा है कि ये उड़ाने के लिए आपने तैयारी में। ठीक हो गया, अच्छे कबूतर हैं जी बहुत, ये मादा बड़ी जबरदस्त है, बहुत आला मादा, क्या बात। ये देखें सर कैसा फिटनेस भी बड़ी, साइज बड़ा जबरदस्त, ये मादा सर क्या। अच्छा, साइज से आपने बात का नाम रखा है हमने मरासी वाला, ऐसे तो मशहूर है। अच्छा, ये यकीन माने कि दुनिया पूछती है कि वो बैठी है या नहीं बैठी। यहाँ जब होता है ना शौक होता है तो यहाँ बड़ा रश होता है, सिर्फ इस कबूतरी के शौक के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। आपने एक बात, इनके साइज बड़ा माशाल्लाह अच्छा है। जी सर, साइज इसका एक कॉम्पैक्ट। जी जी, ओवर टाइम 1 मिनट पहले आके बैठ जाती है, बैठ जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, कप में हमारे इसने नाम उठाया, चाहे वो जून है चाहे वो अक्टूबर है,
तो हमने तो सुना था कि पिंडी इस्लामाबाद में जो बड़े साइज के कबूतर होते हैं नहीं 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 सर वो उड़ते हैं ज्यादा और ये तो आप आपकी अपनी भी फेवरेट ये छोटे साइज की जी जी छोटे क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे कैसे कबूतर ज्यादा प्रेफर करते हैं कैसा कबूतर प्रेफर करते हैं क्या उसमें दरमियाने जिस्म का जो कबूतर है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं जो हमारे मौसम में अच्छा कबूतर दरमियाने जिस्म के जी जी दरमियाने ये भी उस्ताद जी का पहले सीजन देखे ना जी पीछे चले जाए ना कमाने जी जी कुछ ऐसा पहले तो बड़े कबूतर हुआ करते थे ठीक है उनके भी रिजल्ट अच्छे थे तो ये कि अब हर किसी को रिजल्ट अच्छा लेना है क्या वजह गेम काफी आगे चली गई बिल्कुल वजह जी नहीं जी उस्ताद मंजीत सिंह साहब ये कबूतर देखे क्रॉस में बना हुआ कबूतर है लेकिन कबूतर लाजवाब बना इसकी भी यही है चार पाँच बजे की जून की परवाजें पक्की परवाजें माशाल्लाह बहुत ही शानदार कबूतर के जोड़ी जोड़ी बड़े छपे फर्स्ट टाइम आया हूँ अच्छा तो आते साथ ही जब कबूतर देखे तो सबसे पहले भाई उनके छोटे भाई से ये मैंने पूछा कि ये कबूतर कहाँ से देखा नहीं मैंने मैं ऐसे जाले में था ये बहुत पसंद आया अच्छा कबूतर नहीं सर इनके उस्ताद माशाल्लाह बहुत उस्ताद हैं बड़े सीनियर उस्ताद हैं और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गाइड करते हैं रिजल्ट और यकीन करें कि बच्चों की तरह हर चीज़ वो करते हैं एक ये कबूतर है सर तो डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई डॉक्टर आज़र साहब मेरा बहुत गहरा तल्लुक है आपसे पहले से बहुत से नहीं किसी काम के सिलसिले में या कबूतरबाजी के कबूतरबाजी में मेरा ससुराल की तरफ से ससुराल उनसे जैसा कि जुबैर भट्ट साहब है वो ससुराल भाई है अच्छा अच्छा हाँ फैमिली में माशाल्लाह मेरा तल्लुक अच्छा तल्लुक है इनके साथ सही 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 वही मैंने पूछा ना कि भाई आपने किस तरह रसाई जो है किस तरह हुई क्योंकि वो शहर से बाहर बहुत कम ही शागिर्द करते हैं तो वो उधर ही तक महदूद रहते हैं ताकि भाई हर किसी को मैं टाइम भी दे सकूं हाँ नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम ये डिफरेंट लग रहा है कबूतर ये देखें ये कबूतर सर बहुत अच्छा कबूतर है लेकिन ये पर भी बड़े शक नहीं बैठता सर अच्छा इस्लामाबाद में नहीं बैठता ये दूसरे दिन तीन चार बजे आगे बैठेगा अच्छा तो ये ब्रीड कौन सी जी घर की बनाई हुई ये घर की बनाई हुई इसका माँ बाप मर गया ये कि आगे इसके बच्चे उड़े हैं अच्छा इसके बच्चे भी जी जी बहुत अच्छे बच्चों का रिजल्ट है इसके जोड़ बड़े अच्छे ये अच्छा। लंबा है लेकिन अच्छा। 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 हाँ ये भी जरा दिखा ना बीच में ये और भी तो जोड़ा तो पैर अपना दिखाई लगाया रोशनी डालने पेयरिंग पर पेयर अप करना होता है रावलपिंडी इस्लामाबाद के हवाले से आप क्या समझते हैं कि किस तरह की बॉडी स्ट्रक्चर और किस तरह की ब्रीड्स को आपस में क्रॉस करें इसकी पिंडी हो लाहौर हो इस्लामाबाद कहीं पर भी हो अक्सर शौकीन लाहौर से बच्चे लेके आ रहे होते जोड़े लाहौर में लगे होते ला के यहाँ उड़ा रहे होते तो मतलब ये बात नहीं है कि यहाँ के हिसाब से वहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई ऐसा मैं अपने साथ ही एक बिल्कुल सही ख्याल बता रहा हूँ क्योंकि इसका मेरे ख्याल अगर 50 छतें 500 छतें हैं तो 500 छतों में से हो सकता है
40 ऐसी छतें हों जो बच्चे ले के आते हैं लाहौर से, एयरपोर्ट से, आउट सिटी से, परफॉर्म करते हैं। अब ये देखें ना, ये उनके घर से आए हैं डॉक्टर साहब की तरफ से, यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ ये कौन सा लाहौर है, कौन सा सही बात नहीं जी, इन कालों के बच्चों ने ना जी, सर ये तो काले काले आज हो गए, और आज खुरम भाई के पहले दिखाए हैं उस्ताद खुरम कियानी साहब के, और अब ये दस्तगीर भाई की तरफ काला आया, लेकिन ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ आई है, बड़ी नायाब किस्म की आँख है इसकी। तो आगे ये इनके ये बच्चा है इसका, ये काले हैं, ये चपड़े हैं, क्या हैं ये काले, तो ये आँख इनकी क्या सियालकोटी टाइप है, ब्राउन सी, ब्राउन है कि ग्रे है, इंडियन कबूतर है। देखें जी दोस्त अहबाब, उस्ताद मनजीत सिंह साहब, तरुण मेहता साहब, कमल अरोड़ा साहब, जितने भी दोस्त हैं वो देखें, वो बताएं फिर ये कौन सी ब्रीड है, क्या खिलाएंगे। राजेंद्र साहब, ये बच्चा निकला है इसका यार, ये बहुत डिफरेंट और ये बड़े पुख्ता कबूतर है, ये आप इस तरह तो नहीं उड़ाते होंगे, ये इनको मतलब क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते, ये आपने मतलब प्योर ब्रीड बनाने के लिए ये बच्चा लिया हुआ बस, या ये बच्चे भी उड़ाए, ये भी उड़ाने के लिए मना के, इसके भाई एक उड़ाने के लिए, ये ब्रीड के लिए है, सॉरी वही मैं कह रहा हूँ, ब्रीड के लिए एक भाई इसका उधर छोड़ा हुआ है। नहीं जी, पंजे उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब अगर देख रहे हैं, या यहाँ पे कामिल जैदी साहब देखें तो वो दिखाएं, उन पंजा देखें बच्चे का, इसकी मदर। अच्छा जोड़ा ही एक जैसा भाई, वाह वाह देखो जी, एंटीक चीज है, बड़ा जोड़ा लगा, ये जोड़ा खुद लगाया भाई, यहाँ खुद लगाया, बहुत है ये, बड़ी पुख्ता आँख है। घर में कितने लगता नहीं आपको, जैसे चपड़े के कबूतरों के ऊपर लग रहा है कि इनके क्लास है ना, इसमें है, आप भी बताती है, जिस्म भी बताते हैं, इनके बच्चे में आपको और भी दिखाता हूँ, वो भी एक है, वो भी हमने जो रोका हुआ है चपड़ों में ही आता है, उल्टा है ना, उल्टा है ना, ये देखिए फीका हो जाता है, जी जी कुछ निकले होंगे इनके चपड़े, ये देखिए चपड़े आए, ये इनका ही बच्चा निकला, ये नहीं कहे चपड़े इसमें पा रहा है, इसमें ये देखिए जी इन्हीं कालों में से ये निकला, क्या बात है, एंटीक कबूतर है, बहुत हमने ब्रीडिंग के लिए, सर मैं कहता हूँ अगर आपके पास ये कबूतर है फिर आपको नहीं कोई मसला है मेंटेनेंस का, आप कोई भी कबूतर इनके साथ मेंटेन कर सकते हैं डाल के, बहुत आला कबूतर, मजबूत बड़ा है, कोई नहीं जी ये तो मोर लगनी लगनी अच्छा ये इनके भी आगे बच्चे, ले जी दस्तगीर भाई के चपड़े कबूतर देख लें, अजहर भाई अगली बात आप समझ गए हैं माशाल्लाह बहुत आला, उस्ताद डॉक्टर अजहर क्लब वाले की ये शागिर्द हैं जी दस्तगीर जाट साहब इस्लामाबाद में, और बड़े ही शानदार कबूतर हैं इनके पास माशाल्लाह, ये इनके काले कबूतर हैं चपड़े जो आपको दिखा रहे हैं, ये भी चपड़े मैं ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ कभी हल्की करेंगे बच्चे हैं बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, उड़ाया हुआ क्रॉस किन में किया,
ये पाँच साढ़े पाँच बजे की परवाज बचेगी इसकी। मैं ये हैरान हूँ कि सियालकोटी डल के भी वो सियालकोटी नहीं लग रहा, हालांकि वो भी खुद भी बड़ा ओवर साइज है। बहुत शानदार है, हड्डी थोड़ी सी इसकी टेढ़ी है लेकिन उसके बावजूद जसगीर भाई, ये कबूतर आपके बहुत ही अच्छे हैं। जोसरा एक पहले भी आया बड़ा मजबूत, बहुत आल। बाकी छत की लोकेशन दिखा, बहुत खूबसूरत छत है, ऊपर भी जाके ये दो सब आप जो आए हुए मेहमान ये सब यार ही हैं, नाम को नाम है, नाम को नाम जरा सब का नाम करवा देना साथ में, अपना नाम मेहमान आ ना खड़े हो जाओ ना साथ में, इधर लोगों का सबका तारुफ करवा दो, आ जाओ आदर साथ आगे इधर आए जी, बल्कि थे सारे ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं जी, डॉक्टर आरफ मलिक साहब, आरफ मलिक साहब हैं जी। और ये है, ये हमारे बहुत भाई ये कमर साहब, और ये भी भाई हैं ये जो हमारी टीम का मसला है, इसमें बोल तो करार करके कि पीएसओ था जो पंप अच्छा वो कर रहे इसी लैंड पे के आए जैसे थे कोई बात नहीं आ रही है नजर। आप बेटे हैं दस्तगीर भाई के बेटे हैं आप शरीर का जी, ये मेन उड़ने वाली है छत का बजने वाली वो बच्चे शच्चे जी, बच्चे शच्चे बच्चे उड़ने वाली मेन वो छत माशाल्लाह। ये जी सारा इस्लामाबाद कौन सा एरिया इस्लामाबाद का नाजिन। तो ये छत जनाब दस्तगीर साहब की जो कि शागिर्द हैं उस्ताद डॉक्टर अजहर क्लब वाले ऑफ लाहौर उनके, और उनकी ये जो छत अब रावलपिंडी इस्लामाबाद में उनकी शागिर्दगी है, तो ये इंशाल्लाह जिस तरह की छत है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि इंशाल्लाह ये इस्लामाबाद की टॉप लेवल की छतों में से एक छत होगी, क्योंकि पीछे उस्ताद भी तगड़ा है और आगे मेहनत भी अच्छी होगी, टीम बहुत बड़ी है, टीम बहुत बड़ा अच्छा, और सबसे जो मेन चीज़ है जो की पॉइंट है वो ये कि छत बड़ी अच्छी बनी हुई, तो हर हिसाब से ये एक परफेक्ट छत है और माहौल भी बड़ा ज़बरदस्त है इस छत का इर्द गिर्द का। तो दस्तगीर भाई को हम जो है बेस्ट ऑफ लक कहते हैं जी तमाम सीजन के लिए, स्पेशली आपके इस टूर्नामेंट के लिए, तो कोई आखिर में पैगाम कोई अपने उस्ताद के लिए कोई बात करना चाहें और इस्लामाबाद के लोगों को कोई पैगाम देना चाहें। मेरा इस्लामाबाद के सब उस्ताज़ा इकराम को और जितने भी शकीन हज़रात हैं उनको यही पैगाम है जी, ये शौक़ मिलजुल के प्यार मोहब्बत का सबक हमें सिखाता है, और कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत में रह के शौक़ करें, इसको अपनी ना बनाएं, और बेहतर यही है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे 24-26 वाली कहानी ख़त्म करें, जो भी है एक इत्तेफाक के साथ एक ही डेट
रखें, फाइनल रखें जिसमें सब शकीन भाइयों का शौक अच्छा हो जाए। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब आप आए, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। उस्ताद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस्ताद जी तो हमारे शेर हैं, आप सबको पता है, बिल्कुल शेर शेर ही होता है। तो बात यह है कि इस उनके तारीफ पे क्या लफ्ज़ करूँ, वो खुद ही बहुत बड़ी तारीफ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा बड़ा प्यार है उनके साथ और बड़ी शफकत है उनकी कि जो हमसे इतना प्यार करते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं और हमें बता रहे हैं कि शौक किस तरह। जी शुक्रगुजार। तो नाज़िम ये चाहते हैं जनाब दस्तगीर जज साहब जिससे आप शौक करवा रहे थे, ये शागिर्द हैं उस्ताद डॉक्टर आज़म क्लब वाले ऑफ लाहौर उनके, और इंशाल्लाह ये एक शानदार छत होगी। और ये रुस्तम में इस्लामाबाद चैंपियन ट्रॉफी एक इंशाल्लाह इस साल का इस्लामाबाद का सबसे कामयाब तरीन टूर्नामेंट होगा इंशाल्लाह। इन दिनों में तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा क्योंकि ये दिन पंजाब के भी और लाहौर के भी सब मिक्स हुए में होंगे। तो अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को इस शानदार छत से इस्लामाबाद में दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।